हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्सएप विद लिक का ब्लॉग। प्रिपरेशन चल रही है और रेडी होना बाकी है, अभी सारे काम ख़त्म करनी है। और यहाँ पे हो रही है हमारी प्रिपरेशन। घर के बाहर जो आंगन है ना, वहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं, तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन चल रही है। श्रृंगार का सामान है और जो जो भी इस पूजा में सामान लगता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक जगह इकट्ठी कर ली हुई है। और मैं आ गई हूँ रेडी होके, कैमरा सेट कर लिया हुआ है और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पूजा। टाइम हो रहा था, 11 बज चुके थे, 11:30 हो रहे थे, तो फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी। पहले शुद्ध कर लो, फिर गणपति भगवान से पूजा की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ना इस बार कथा भी सुनाऊँगी, तो कथा को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी बताइएगा कि हर जगह ना अलग अलग तरीके से इस पूजा को की जाती है, तो आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं कमेंट डाउन करके बताइएगा ज़रूर। और चलिए देखते हैं हम इस वीडियो को। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत करने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति ऋषि सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप चंदन फल रोली केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्र के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूम सेतु के पुत्र सत्यवान की कृति सुनाकर उन्हें प्रतिरूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और एक वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होनी देव ऋषि बानी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंत के उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार में बाधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला जाता। सावित्री भी सास ससुर की आगे से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय घृणा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा उसे अपने जगह पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा।
धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। अब लौट जाऊंगा। यमराज यह बात सुनकर उसने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूमसेन का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौटे जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके पति में जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठ कर बैठ गया। दोनों हर्ष से प्रेमलिंग करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी एक दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह वर्ष सौभाग्य स्त्रियों को करना चाहिए। और यहाँ पे हो गई है हमारी कथा पूरी हो गई है। और आप ना कोई भी चीज़ 108 ले लीजिए, जायफली हो, रेवड़ी हो, या फिर चॉकलेट्स हो, चूड़ियाँ हो, कुछ भी 108 लेके आपको क्या करना रहता है, फेरे करने रहते हैं, 108 फेरे करने रहते हैं। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बस भजन लगा दिया हुआ था और फेरे स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो चलिए इसको इंजॉय करते हैं और इसके बाद ना हम लोगों ने आरती की, वो भी इंजॉय कीजिएगा। Okay.